हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं ऑल इंडिया साइकिल राइडर आरजे महतो और इस वक्त हरियाणा के एक छोटे से गांव में, यहां पर लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया था कि इस पेड़ के सामने हम लोगों ने टेंट किया था रात को, क्योंकि थोड़ा सा चलने में लेट हो गया था। कल काफ़ी अच्छा चले थे, मतलब बहुत ज़्यादा रुके नहीं थे, तो अच्छा चल रहे थे। और यहाँ से हरिद्वार लगभग 150 किलोमीटर है, तो हम लोग आज नहीं तो कल हरिद्वार पहुँच जाएंगे। शायद हो सकता है कि आज थोड़ा सा मतलब जल्दी रुक जाए, क्योंकि आज IPL का फाइनल मैच है, वो भी CSK एंड गुजरात के बीच। CSK का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। CSK का बोले तो मैं धोनी जब तक है तब तक CSK का फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज फुल मैच देखने का प्लान है हम लोग का। सो यहाँ से जस्ट निकल ही रहे थे, वो मेरा साइकिल उस साइड में है, तो इस साइड आया था थोड़ा ऐसे ही घूमने के लिए, और कुछ बंदे सब इधर से आ रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों के साथ। एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर जो स्पेस देख रहे हैं, यहीं पर हम लोगों ने टेंट लगाया था। दोस्तों, हम लोग जस्ट थोड़ा सा आगे ही आए थे और अभी एक जगह पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज़ाद भाई का थोड़ा सा तबीयत खराब रहता है, तो पर थोड़ा सा गैस हो गया है, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हम लोग रुके हुए हैं, देखते हैं कब तक उनका तबीयत थोड़ा सही हो जाए, तो फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं अभी अपना साइकिल मेरे साथ वाले को दे दिया है। मैं आज ट्राई कर रहा था इस साइकिल से पुराना वाला जो नॉर्मल साइकिल होता है ना, उस साइकिल को मैं अभी चला रहा हूँ। तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहा है, क्योंकि इसमें सामने बहुत ज़्यादा वेट है और वो वाला लूज हो चुका है, तो वो जैसे जैसे हिल रहा है तो पूरा हैंडल को वो ये कर दे रहा है। मैं काफ़ी मुश्किल से एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और थोड़ा दूरी हो गया, लगभग 1 किलोमीटर चला लिया, तो हाथ भी थोड़ा सा बैठ गया है। लेकिन इस साइकिल में थोड़ा सा तकलीफ होता है, और भाई लोगों का हिम्मत है, ये साइकिल चला के ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं। बाकी ये साइकिल कभी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी का, अगर ट्रेवल पर निकल रहे हो तो कोई गियर वाला साइकिल ही देखें तो बेहतर होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, ताकि कोई अच्छा सा जगह मिल जाए जहाँ पर टेंट वूंट कर सकें। फाइनली यार, बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चला ही नहीं रहा हूँ, एकदम स्मूथली हल्का। और मेरा साइकिल जो होता था, मेरे को बहुत ही दबाव के साथ, प्रेशर के साथ अपना साइकिल को पैडल मारना पड़ता था, खींचना पड़ता था, तो काफ़ी पेन होता है ना उसमें, काफ़ी हिम्मत लगता है बॉडी में। इसमें मैं एकदम देखा, एकदम स्लो लाइट है, आप बड़े आराम से एकदम मस्ती के साथ अपना ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम अगर ट्रैवल करूँगा तो मैं ऐसे एक गियर साइकिल लेकर ट्रैवल करने का कोशिश करूँगा। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं UP में, और ये जो पुल पीछे देख रहे हैं, ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इस पुल के उस साइड हरियाणा है और इस साइड UP आ गया है। तो ये देख सकते हो, ये है यमुना नदी। जो है ऊपर भी ब्रिज बना हुआ है 3-4। यहाँ पर रुके हुए तो सोचे कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर ही लूँ, तो नीचे आ गया मैं थोड़ा। तो बहुत ज़्यादा पानी है नहीं यहाँ पर, जस्ट थोड़ा सा, बहुत कम पानी यहाँ पर। बाकी उस साइड में काफ़ी चौड़ा है, उस साइड पीछे में काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी ज़्यादा पानी भी है। वो गेट की उस साइड जो है उत्तर प्रदेश, और इधर आगे उत्तराखंड। ये सीमा जो अब चल रहा है, ये उत्तराखंड में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। यहाँ से हरिद्वार 41 किलोमीटर है और रुड़की जो है 20 किलोमीटर। यार, रुड़की बहुत नज़दीक आ गया। खैर जो भी हो, तो हम लोग उत्तराखंड प्रवेश कर चुके हैं और टाइम भी लगभग 4:30 बज गया है, और थोड़ा देर चलेंगे उसके बाद कहीं पर स्टे करेंगे। फाइनली वो जो गेट देख रहे हैं, वो वहाँ से ये वाला रोड जो है हरिद्वार जाता है, और 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और फाइनली हमें ये एक यहाँ मस्त सा जगह मिला था, तो हम लोग यहाँ आए थे बात करने के लिए, यहाँ पर काम चल रहा था परमिशन लेने के लिए, क्योंकि घास में टेंट लगाने में बाहर में बड़ा मज़ा आता है। शाम होने ही वाला है, यहाँ जाके अंदर में बात किया लड़कों लोगों ने, तो बताया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो, और आज रात का खाना भी हम लोग को यहीं पर मिल सकता है। फाइनली गाइज, यहाँ पर सारा सुविधा मिल गया। हमने कपड़े भी धो लिए, पूरा मस्त कपड़े धो लिए, यहाँ पर पूरा पानी वगैरह है कपड़े, और ये सब नहा रहे हैं, तो मैं भी अभी नहाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़ा धोया, क्योंकि कपड़े जो ये बहुत गंदे हो गए थे, तो धो नहीं पाया था काफ़ी दिनों से। फाइनली स्नान भी हो गया मस्त एकदम, और पूरा अच्छा मतलब लगने लगा स्नान, क्योंकि धूप में दिन भर चले थे ना, इस वजह से थोड़ा सा शरीर भी ये हो गया था। और मस्त यहाँ पर चाय बन रहा है, अभी चाय पियेंगे, और सब अपना अपना बैठा हुआ है। यहाँ से लगभग और 40 किलोमीटर रह गया है हरिद्वार, कल हम लोग हरिद्वार आराम से पहुँचेंगे। तो हरिद्वार में बहुत मस्त मस्त जगह है, और केदारनाथ तो है ही है,
वहाँ तो जाना ही है, लेकिन हरिद्वार में भी, हरिद्वार में हर की पौड़ी जहाँ दो गंगा का मिलन होता है वो मस्त जगह है, एक मनसा देवी मंदिर भी है, तो देखते वो पहाड़ों में है उसका क्या होगा। बाकी ऋषिकेश होते हुए जाएंगे तो अच्छे अच्छे ये रहेंगे, मतलब अच्छे अच्छे जगह होते हुए जाएंगे और सारा दिखाते हुए जाएंगे। तो बस आप लोग वीडियो पे आते रहिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।